क्या हुआ असर तेरे साथ रह कर न जाने की होश मुझे न रहा। मतलब मेरे गानों से आप सैड हो गए, मतलब मेरे गानों में वो फील था जैसे आप सैड हुए, ये कहना चाहते हो? तो नहीं गाऊं फिर। प्रैक्टिस करनी एक्चुअली, क्या है ना मेरा कल ऑडिशन है, ठीक है? आपको भी अच्छा लगेगा सुनना, ठीक है? आहटे कैसी है आहटे, सुनता हूँ आज कल दिल बता, वो दस्तके देती है दस्तके, क्यों अजनबी से पल दिल बता। तेरा ही नाम जो ले आके भी पैगाम ये दे, तेरी नजर का ही ये असर है सारा दिल मेरा, इस
दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। यार क्या हुआ आपको? मतलब मेरे गानों से आप सैड हो गए? मतलब मेरे गानों में वो फील था जैसे आप सैड हुए, ये कहना चाहते हो? क्या हुआ मतलब यार ऐसे क्यों, किस बारे, किस चीज के लिए सैड हो? अच्छा तो नहीं गाऊं फिर? अच्छा एक अच्छा सा आपको सुजागे वाला गाना गाऊं आपके लिए? हाँ सॉन्ग सुनने का ही मन नहीं है। ठीक है, अगर मुझे अपने मूड को अच्छा बनाना है। एक प्यारा सा लविंग सा सॉन्ग गाऊंगा आपके लिए। यार इतनी प्यारी लड़की भी सैड होती है क्या? चलो मैं आपके लिए गाता हूँ, ठीक है? बताओ मैं इतनी प्यारी सी लड़की को सैड कर दिया। चलो कोई नहीं, सैड कराता हूँ, खुशी में ही करूँगा, ठीक है? आपके लिए लविंग सा सॉन्ग सुनना, ठीक है? अच्छा आपका नाम क्या है, जान सकता हूँ थोड़ा सा? बता सको? गीतिका। ठीक है तो ये सॉन्ग गीतिका के लिए, ठीक है? दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे सौंप दे, बात दिल की नजरों की सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बन बना लेंगे एक विदम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ जाएंगे कदम, तुझे कितना चाहने लगे तो ये कैसा था? ये आपके लिए था? अच्छा अच्छा था, अच्छा गाते सच में? या मतलब थोड़ी डरी डरी सी लग रही हो, मतलब क्या कुछ हुआ क्या यार? मैंने गा दिया तो और मतलब आप थोड़ी सी दुखी सी हो गई? नहीं मतलब क्या बताऊँ मैं, लगता है मैंने यहाँ की गलती कर दी यार। बताओ बताओ क्या बताओ, सुन लेंगे हम, बताओ। कि मेरा रिलेशनशिप था, हाँ, 3.5 साल का। हाँ सच सच बात है नहीं? हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। तो मेरा रिलेशनशिप था 3.5 साल का। हाँ हाँ मैं मानती हूँ वो रिलेशनशिप वन साइडेड था। अच्छा वैसे तो स्टार्टिंग उसकी थी, मतलब वो आया था। हाँ मेरी भी कुछ कहानी ऐसी थी यार। हाँ हाँ बताओ बताओ। मतलब स्टार्टिंग मतलब वो मेरा दोस्त था बहुत अच्छा, और फिर स्टार्टिंग के डेज पहले तो 3-4 दिन मतलब जब वो मेरे पास आया तो मैं हाना हाना बोलती रहती थी, क्योंकि हाँ। वो थोड़ा ऐसा था फ्लर्टी टाइप, तो मुझे ऐसे लड़के पसंद है। मतलब मैं रिलेशनशिप नहीं, मैं रिलेशनशिप परमानेंट वाला चाहती हूँ। अच्छा मुझे टेम्परेरी रिलेशनशिप अच्छे नहीं लगते, और मैं ना रहती हूँ टेम्परेरी। तो फिर उसके बाद मतलब उसकी एक्स भी थी, बट मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा पागल बन गई अपने रिलेशनशिप में और कुछ नहीं। चलो कोई नहीं यार, अपना पास्ट याद मत करो, और सॉरी यार मैंने आपको इतना सैड कर दिया अपने वो भी गाने में, मैंने इतना जज मैशअप करे सैड वाले, तो सॉरी यार अगर आपका दिल हर्ट हुआ तो। अच्छा बाकी गाने कैसे लगे आपको? अच्छा लगा तभी मतलब यार कहानी बता भी दी तुमने अपनी है। तो यार एक क्या बोलते हैं, अब ज़्यादा ही सैड सैड हो गया, अब सैड माहौल नहीं करते, ठीक है? क्या नाम था? गीति का नाम बताया था ना आपने, तो एक बार एक मिलके गाना गाता है, आता है आपको गाना गाने?
मुझे कुछ लिरिक्स आती है, पहले आप सुन लो। तुम मेरे हो इस पर मेरे हो कर शायद ये आलम ना रहे, हाँ? कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये समझ गया, मैं समझ गया। तब आप गा के गाओ अभी से, ठीक है? फिर मैं भी गाऊंगा, ठीक है? क्या बात, थोड़ा मूड ठीक हो जाए। करोगे, गाओगे? ठीक है, गाओ। तुम मेरे क्या बात है, नहीं नहीं अब कोई अलग नहीं होगा, अब कोई अलग नहीं होगा। क्या बात है, चलो यार तुम्हारे चेहरे में स्माइल आई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यार लड़की खुश भी हो गई, मैंने सेट कर दिया। तो मैं कंटिन्यू पूरा कर दूँ इस गाने को, ठीक है? फिर आपको एक बात बताऊँगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाए सांसों को, ऐसे तराशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल, सा ढूंढूं मैं तुम्हें कल, मुझसे इजाजत हो ना हो कल, मेरी जरूरत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा मैं, फिर भी तुमको चाहूंगा मैं, फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा मैं, फिर भी तुमको चाहूंगा। तो कैसा लगा आपको गाना, आप ये बताओ? बहुत अच्छा। आप भी अच्छा गाते हो वैसे। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं अच्छा गाता। नहीं, आप अपने दिल से गा रहे थे ना, दिल से। जो भी बंदा जो भी कुछ काम करता है वो अच्छा ही करता है। और बाकी यार एक बार और सॉरी अगर आप ज्यादा सैड हो गए तो। आप अकेले यहाँ पे आए हो, मतलब आज पार्क में? कौन सा पार्क है ये? नहीं, अकेले नहीं आई हूँ मैं, उसका वेट कर रही थी बट वो आया नहीं, एंड मोमेंट पे मना कर। बताओ यार, इतनी अच्छी लड़की भी होती है इस दुनिया में, मतलब यार, मतलब वेट कर रही है। मैंने बहुत वेट किया है। चलो कोई नहीं, क्या पता आ जाए, अगर समझ आ जाए तो, लड़की इतना प्यार करती है। तो गीतिका, मैं आपको एक बात और बताऊँ अगर आपको बुरा ना लगे तो। पक्का ना यार, डर लग रहा है मुझे आपसे। मारोगे तो नहीं? तो ये सब जो मैं कर रहा था ना, आप बैठे थे, मैं आपके रिएक्शन शूट कर रहा था, और हमने कैमरा भी लगा रखा था, जो आप सैड हुए, मैंने गाना वाना गाया, सब रिकॉर्ड हुआ, सामने उधर कैमरा है, दिखा आपको? देखो वो बंदा लड़का हाथ हिला रहा होगा, आपका रिएक्शन हम शूट कर रहे थे कि अगर मैं गाना गाऊँ तो लड़की को सिंगिंग पसंद आती है नहीं आती, लेकिन आप तो यार सैड हो गए, तो उसके लिए सॉरी। कोई नहीं, बट मुझे पता नहीं चला कि आप मतलब ऐसे। नहीं, बाकी यार सच में आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और जिससे आप प्यार करती हो वो आ जाए आपकी लाइफ में तो मुझे भी अच्छा लगे। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चलो उससे अच्छा आ जाए, ये हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे, ठीक है? और बाकी यार एक बार ना हमारी ऑडियंस को हाय बोल दे, अगर आपको गाने अच्छे लगे ना। हाँ। पक्का? लोगों चश्मा पहन लो, आप कर दो हाय। हाय। तो ये वीडियो हम यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब में, अगर कोई दिक्कत ना हो तो? पक्का ना? हमारा चैनल है झोपड़ी के नाम से, आप देखना, ठीक है? वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज यार, उम्मीद करते हैं आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी, और गीतिका थोड़ी रो गई। देखो इतनी प्यारी लड़की खुद बोल रही, तो क्यों नहीं कर रहे हो? और डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं इंस्टाग्राम के लिंक, जाके फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? बाय कर दो एक बार। तो गाइज मिलते हो किसी नए वीडियो के साथ, बाय बेटी के 11 साथ, बाय।